नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की जो प्रॉब्लम आती है हमारे फ़ोन के अंदर। हम चार्ज तो लगा के छोड़ देते हैं, हमारा फ़ोन के बावजूद भी चार्ज नहीं हो पाता, पूरी रात लगा रहता है, उसके बावजूद भी चार्जिंग कम्प्लीट नहीं हो पाती। दोस्तों मैं इसी के बारे में आज बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें तरीके इस्तेमाल करने चाहिए अपने फ़ोन को चार्ज करने के टाइम पर, जिससे कि आपके फ़ोन की चार्जिंग जैक भी सलामत रहे, आपका फ़ोन की बैटरी लाइफ भी अच्छी रहे और आपका फ़ोन फुल चार्ज भी हो जाए और फास्ट चार्ज भी हो। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मैं आपको आज इसके बारे में दो टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उन दोनों टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका फ़ोन के अंदर अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की फ़ोन आपका चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो आपकी वो प्रॉब्लम का काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़, आप अपने फ़ोन के अंदर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले अपना चार्जर रिप्लेस करके देखिए। आपके घर में कोई दूसरा चार्जर पड़ा हो या आपके किसी फ्रेंड का चार्जर हो तो आप उसको उससे लगा के देखिए। अगर आपके फ़ोन में उसके बावजूद भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप अपने फ़ोन की चार्जिंग जैक को एक बार ब्रश जो होता है जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं, आप उससे अगर उसको पोंछ लेंगे, मतलब उससे आप अगर अपने उसके चार्जिंग जैक को साफ करेंगे तो आपके चार्जिंग जैक में अगर कार्बन आ गया होगा तो वो उससे क्लीन हो जाएगा और आप का चार्जिंग सही से काम करने लगेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, यही सेम पैटर्न आपको अपने चार्जर के पिन में भी करना पड़ेगा, क्योंकि तो आपके चार्जिंग पिन में भी आपके कार्बन आ सकता है, जिस वजह से फ़ोन को वो सही से कैपेसिटी चार्जिंग ना दे पा रहा हो, जिसकी वजह से आपकी 4% आगे ना बढ़ पा रही हो। तो आप अपने सेम प्रोसेस आप अपने चार्जिंग पिन के पर भी आजमाएंगे तो आपकी चार्जिंग पिन साफ हो गए, आपका चार्जर की सप्लाई अच्छी आपके फ़ोन को मिलेगी दोस्तों, जिससे आपका फ़ोन चार्ज हो पाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपका चार्जिंग पिन आपके फ़ोन में लगाने पर लूज आ रहा है या हिलाने डुलाने पर आपकी चार्जिंग शुरू होती है, तो दोस्तों इस तरह की गलती बिल्कुल भी न कीजिए कि आप उस तार को इस्तेमाल कीजिए। आप तुरंत अगर आपके चार्जर से अटैच तार है तो आप दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप चार्जर नया लीजिए, और अगर आपके चार्जर के अंदर डाटा केबल वाला चार्जिंग दिया हुआ है तो आप अपने डाटा केबल बदल लीजिए। आपको नॉर्मली आपको 800 रुपये के अंदर अच्छी डाटा केबल मिल जाएगी, ब्रांडेड कंपनी की गारंटी के साथ में, चाहे ERD की हो सकती है या रिवेरा या किसी भी कंपनी की हो सकती है, जो कि अच्छी काम करती है। 2 एम्पियर की कम से कम आप चार्जिंग पोर्ट जैक लेंगे, मतलब तार, तो आपके फ़ोन को वो सही से चार्ज कर पाएगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ क्या नाम है, आप अपने फ़ोन को चार्ज करने के टाइम पर इस्तेमाल ना करें, वो इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर भी आपकी बैटरी पर ही पड़ता है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी पिन हिलती डुलती रहती है, जिस वजह से इसको सही से सप्लाई ना मिल पाती है और बाद में वो पिन ख़राब हो जाती है या तो आपके डाटा केबल की पिन ख़राब हो जाती है। तो इन प्रोसेस को आप दोस्तों आजमाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके फ़ोन की जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी 100% का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर मेरी इस बात अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो आप पसंद आई हो, तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करोगे दोस्तों को भी इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। और मैं आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नीचे घंटा दिख रहा है आप घंटे को दबा लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरी आने वाली आप सारी वीडियो देख पाएंगे दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मेरी वीडियो देखने का आपको दोस्तों दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।